बेकसूर नौजवान, चाहे वो डी जे हली, के जे हली हो, हुबली हो, शिमोगा हो, आलंद हो, यहाँ पर जो नौजवानों के ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लेने का आपने डिमांड किया, किस बुनियाद पर आप ये डिमांड? NIA सेंट्रल एजेंसी जिसमें टेररिज्म होता है, हाईजैक ऑफ एयरक्राफ्ट है, आर्मी में घुस के अम्यूनिशन चुराता है, ऐसे केस में जो डालता है, ये जो आदमी नहीं किया मुसलमानों का, हुबली, शिमोगा, आलंद, धारवाड़, बेंगलोर, ये तमाम चीज़ों में ये जानबूझ के डाला गया। ये लोकल पुलिस जो पी नवीन के ऊपर जो इंक्वायरी कर रहा है, ये ही पुलिस इसको भी करना है, ये केस को भी लेना है। तो इसे मैं सिद्धरामैया जी को, CM को, पूरे मुसलमानों को लिखा था कि भाई जिसमें जीता है ये लोगों को तुम रिप्रेजेंट करो और करके सरकार में NIA जो छोड़ा है, NIA जो ड्रॉप किया है वो आपके लायक का है कि भाई ये केसों को विड्रा करो और समझाइए। और दूसरा जो है अमित शाह सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखो कि भाई NIA ऐसे चीज़ों में नहीं लाना है, इमीडिएट तुरंत NIA का काम हम करेंगे, लोकल पुलिस जिसको कानून है, जिसको प्रोविजंस ऑफ लॉ है, वो लॉ के तहत उन्हों कर सकते हैं। जैसे ही लिखते हैं सिद्धरामैया जी के हाथ से, ये लोग जब कैबिनेट का अप्रूवल लेके तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रा करती है, ये नहीं है, तुरंत हो जाएगा। यही मांग हमें तमाम 9-10 मुसलमान MLA को लिखा था, DYCM और CM को लिखा था, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए। तो जो कानून में होने का काम हम करेगा, तो कानून हुकूमत बोल रहा है, जब कानून में होने का काम अभी आगे आने वाले 5 साल तक नहीं करेंगे, 5 साल के बाद इलेक्शन तक यही बोलते रहेंगे हमें जो कानून में हो, कानून यही है जो NIA आया है गलत है, NIA का जो शेड्यूल है शेड्यूल में यही लिखा है कि भाई अम्यूनिशन आप करेंसी बनाया, तोड़ा और बम ब्लास्ट किया, टेररिज्म किया, ये तमाम चीज़ इसे लागू ही नहीं हो रहा है। ये समझना है, पढ़ना है, इससे बड़ा कानून नहीं है, एकदम सिंपल का कानून है। ये कानून को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, विड्रा करने के लिए ना इसको कोई एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया चाहिए, ना कर्नाटका का चाहिए, ये लोग खुद लॉ मेकर्स कर सकते हैं। पिछले आने वाले इलेक्शन तक ना रखें, तुरंत ये काम करें और ये लोगों को, जो लोग के पास एक पैसा देने के लिए कानून में लड़ाई लड़के उन जिंदगी और जीना करने का कानून में उसको बनाया है। BJP जो है इसकी शदीद मुखालिफत कर रही है, BJP से भी यही बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ में जब राम का होगा, जो दूसरा होगा वही गॉडेस का, हम सपोर्ट करेगा मुसलमान को, यानी पूरे हिंदू को, क्रिश्चियन को, पूरों को हम सपोर्ट करेगा मुसलमान में। ये खिलाफ कौन भी बोला रहे ये लोगों के ऊपर, हम भी ये आदमी को सज़ा देने के लिए बोलेगा। ऐसा BJP वाले भी इसमें जमना है, BJP वाले भी ये चीज़ को अपना ईगो को निकालना है, कानून पढ़ना है। ये NIA को लाने का मकसद कानून को उन्हों खुद हनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखना है, जो इधर के MP से उन्हों लिखना है, कर्नाटका के जितने भी MP लोग हैं हुकूमत में आज जीते हुए लोग, इधर के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखना है, NIA का आना DJ हल्ली और KJ हल्ली में नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जिस जगह अल्लाह का, नबी का नाम चिपका है उसकी हिफाजत पूछा था, वहाँ पे नहीं आना है। जब मुसलमान का MLA, जब मुसलमान का लीडर ये पूछा नहीं, ये सोचा नहीं, ये देखा नहीं, तो इसका मतलब गलत काम BJP RSS करना ज़रूरी नहीं है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई BJP वाले ये चीज़ को मेरे नबी के नाम से उसका एहतराम करके ये चीज़ अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखेंगे, वो तुरंत निकालेंगे। में जो है कल उलमा इकराम का डेलीगेशन भी CM से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया है कि जितने भी मुसलमानों के मसले हैं कर्नाटक में उन पर भी तवज्जा दें और हल करने की कोशिश करें। जो DJ हल्ली, KJ हल्ली में जो रियाड बोलते हैं, जो TV में रिकॉर्ड है, इतना भी किया गया, जो आदमी टिकट
का भूखा है, चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे एसडीपीए से हो, जिसको टिकट चाहिए उन्हीं की है। अभी इसी अंदाज पे आज जो मुसलमानों का मजमा, जिसको चाहिए टिकट चाहिए, जिसको चाहिए स्नान चाहिए, ऐसे लोगों का काम करना, ये कौम के लिए गुनाह और क्राइम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी अक्यूज लिस्ट में ही मैं बोलूँगा, क्योंकि जैसा 2020 से 2023 तक अभी तक यही मजमा, यही ये आलिम लोग, यही लीडर्स लोग, जो लोग सीएम के सामने बैठा था कल, कभी भी एक लीगल एड की अर्जी नहीं दिया है अपने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ भाजपा के, अपने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ का अपने कांग्रेस के, ये एक अर्जी नहीं दिया है कि भाई सरकार के खर्चे में ये केस, सरकार के खर्चे में ये मजलूमों का, ये गरीबों की चीज़ चलाना है, इनका कानूनी हक है कि भाई कानून का हेल्प देना, ये नहीं लिखा है। कौन नहीं लिखा है? ये लोग नहीं लिखा है। यही सीएम के पास वो नहीं दिया है कि भाई तुरंत आप एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अभी 15 लोगों को बनाए हैं, इसमें 5 या 10 लोगों को छोड़ो, ये लोगों का केस पड़ेंगे, ये लोग फ्री काम करेंगे, इसकी अर्जी नहीं दिया है। कल रहमान खान गए थे और दूसरे नसीर थे, फलान थे, क्या दिया ये पेपर में लोगों के सामने? दिया क्या? डिक्लेयर किया क्या? मुसलमानों को गूंगे मुक्के समझा है ये लोग, जो मजमा गया था, ये काम उनका नहीं है, ये काम जो किया है गलत है काम, अपनी टिकट्स, अपनी कुर्सियों के लिए लोग फिर रहे हैं। इनको अल्लाह का डर भी होना चाहिए, सिद्धरामैया हो या दूसरा हो, ये नहीं है इनको कुर्सी देने वाला। कौम का जब नाम आता है, कुर्सी की तलब अल्लाह से करना है, अल्लाह का डर ये लोगों में नहीं है। और दूसरी बात, जब गए हनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक और नसीर अहमद और ज़मीर अहमद और ये तमाम लोगों को ये नहीं पूछा, आप यूसीसी में क्या किया? यूसीसी का पर्चा दो, यूसीसी का बोले बयान दिए आपको, यूसीसी में क्या लिखा है इन्हों? अरे भाई तमाम 11 मुसलमान लीडर्स क्या लिखा, सीएम सिद्धरामैया क्या लिखा, और ये मौलाना लोग क्या लिखा? काम इनका था, गली में काम का डेट हो गया 14 तारीख जुलाई का, अभी कल क्या किया? यही बोल रहा हूँ, कुर्सियों के लिए फिर रहे हैं, कुर्सियों में बैठने की ख्वाहिश है, काम मुसलमान की चिंता नहीं है ये लोगों को। इन्हों जो भी कर रहे हैं गुने का काम है, मुसलमानों के नाम से गुना मोल रहे हैं, इनके सीटों की ख्वाहिश में ये तिजारत यूसीसी के नाम से, डीजे हल्ली के नाम से, अभी तक जो गलत किया है, यूसीसी का पेपर देना है, जो पेपर आलम पाशा के पास है, यूसीसी में जो लिखा हूँ, यूसीसी में ये तमाम लिख के लिखा हूँ मैं कि भाई क्या सीएम दिए हैं, क्या गवर्नमेंट से दिया है सीएम नसीर अहमद, यूटी कादर, ज़मीर अहमद और जो भी मुसलमान जितना भी जीता है, क्या दिया? ये पेपर क्यों नहीं मांगा? कहाँ है? और ये लोग कांग, जितने भी सीट में बैठा था, जितने भी गए थे, ये लोगों का पेपर यूसीसी के नाम से साइन किया हुआ पेपर सीएम के पास दिया क्या? जो देना चाहिए थे दिया क्या? और जो मांग मुसलमानों के नाम से करते हैं, अभी देखो एक चिट्ठी है मुसलमान के आ गई कि भाई सीएमए में औरतों के ऊपर हमला हो रहा है, एक चिट्ठी आई है मेरे को, और अपने आर्फनेज में हो रहा है मुसलमानों के बच्चों के ऊपर, माइनर बच्चों के ऊपर हो रहा है, सीएमए में हो रहा है, ऐसा जिस जगह जितने जगह मुसलमान के इदारे हैं उधर पे लोग क्या कर रहे हैं? तो यही करना मांगता हूँ मैं, यही चीज़ के ऊपर उन सीएम की कुर्सी के सामने जाके बैठ रहे हैं, ये कुर्सियाँ छोड़ना है, मुसलमानों के लिए छोड़ना है, ये अन्याय होने से छोड़ना है, मुसलमान औरत बच्चों के उनके पाप जो कर रहे हैं उससे दूर जाना है, अपनी कुर्सी छोड़ना है। ये लोग जितने लोग कल सीएम के सामने बैठा था, इन्हों कानून को डर के बैठा था, कानून से इन्हों काम नहीं किया, कानून का पालन नहीं किया, एक आदमी मीडिया के सामने यूसीसी का पत्थर हो और डीजे हल्ली से शिवमोगा तक लीगल एड देने का कागज़ हो जो सीएम के पास सबमिट किया है, यानी इन्हों करना ज़रूरी नहीं है, ये ड्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका की है, फ्री लीगल एड असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल को रख के करना चाहिए। कितने लोगों का सिग्नेटरी है? सिर्फ चेयर सीएम के आगे थी, सीएम भी ना पूछे इनको, और अपने पास अपने रिकॉर्डों में अपने सोशल मीडियो में फिर रहे हैं मुसलमानों को
धोखा हो रहा है ये, और इन्हों गलत गुना क्राइम मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। काफ़ी भी है और इस पर जो है सियासत हो रही है और बीजेपी कह रही है कि वहाँ पर जो है लड़कियों को टॉयलेट में जो है इस तरह वहाँ पर वीडियो कैमरा पकड़ा गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तीनों लड़की गलत काम किया, उड़पी के कानून से गलत काम किया है, माँ बाप सिखाया है। मुसलमान माँ बाप को ये हमारे मेरी आलम पाशा की एडवाइस है, ये मोबाइल दिया क्यों है, मोबाइल ये बच्चों के हाथ में क्यों दिया है? क्या ये माँ बाप की ताकत है कि भाई औरत बच्चों के पास हो, मर्द बच्चों के पास हो, चाहे उनकी एक उम्र हो जाए 15-18, शादी की उम्र हो जाए, मोबाइल मुसलमान के बच्चों के हाथ में कैसा दिया गया? ये वो बच्चे वो माँ बाप गुनहगार हैं उसमें। और दूसरी बात, हिंदू कर्नाटक की हुकूमत है, हिंदुस्तान की भी हुकूमत है, मोबाइल बैन करना चाहिए। कैसे नहीं मोबाइल बैन किए? ये चीज़ जो साइबर क्राइम होता है, जो हाथ से जाता है, पैसा भी हजम होता है, कई पिक्चर भी आते हैं, कई प्रोन वीडियोस दिखते हैं, कोई गंदगी दुनिया की पूरी है, ऐसा माँ बाप और हुकूमत जो इसको अलो किया है वो पूरे का पूरा गुनाह है होम के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि भाई जो बच्चों का ये तीनों का क्राइम में डाले, नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया आया इसमें और पुलिस आया और दुनिया की तमाम चीज़ आ गई, तो इतना बड़ा हादसा नहीं है। ये तो स्कूल का जुरिस्डिक्शन है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल का मैनेजमेंट है, ये बच्चों को इंक्वायरी करेंगे, इसके ऊपर स्टेप लेंगे और इसका रिपोर्ट चाहे तो वो पुलिस को देंगे, ये पुलिस में अरेस्ट हो जाए, पुलिस में जेल में जाए। हिंदुस्तान का कर्नाटका का कानून मकसद ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। ये एकदम गलत कानून डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। पहली बात, मोबाइल बैन करने की कोई मुसलमान का इदारा, कोई मुसलमान की इंस्टीट्यूशन कर्नाटका के अंदर आज तक पूछा नहीं गया वो माँ बाप से। वो कर्नाटक के इंस्टीट्यूशन के एंटरप्रेनर जो कर रहे हैं वो गलत है, क्राइम है। और जो कर्नाटक में भाजपा वाले बीजेपी वाले गली गली में जैसे काम हो रहे हैं, रेलवे बजटों में रहने रेलवे में कर्नाटक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बीबीएमपी में है, हजारों के करोड़ रुपए का जो घोटाला हो रहा है, वो चीज़ का काम अपना पार्लियामेंट में करें, अपना असेंबली में करें। मोस्टली भाजपा वाले ये काम छोड़ के ये ऐसे 2-3 फोनों के बात में इसको ISI को लगाना, इसको टेररिस्ट को लगाना सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता है। वो इंडिजेंसी है ये बच्चों के माँ बाप की, किसी का नहीं है। ना ये बच्चों को कोई मुद्दा मालूम है, ना पता है ICI क्या है फला है, ये एकदम इनोसेंट हैं। मगर इनको इजाज़त जो दिया गया और ये फ्रेंडली सलूक जो किया गया वो फ्रेंड्स में किया, जब ना वो लड़की कंप्लेंट करे, ना ऐसे वीडियो ये लड़कियों के नाम से वायरल हुए, ऐसे हजारों के काम होता है और ऐसे चीज़ों को रोकना हुकूमत का काम है, स्कूल इंस्टीट्यूशन का काम है, खुसूसन मुस्लिम इदारों का काम है। कोई आज तक एक मुसलमान का उलेमा का कोई एक ऐसी बयानात में ये माँ बाप को बच्चों को बोला नहीं। इसमें कितने हजार अपने वीडियो हैं जो फ्री वीडियो मिलने का, आप तो 500,000 का वीडियो देते हैं, कई फ्री वीडियो कितना ये बच्चे अपने मर्द बच्चे और बैकू बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ बाप को भी समझ में आने के लिए उलमा कराम फेलियर हुए हैं, स्कूल के इंस्टीट्यूशन फेलियर हुए हैं, मुसलमान के इदारों तिजारत में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट सरकार इसको बैन करना चाहिए। और ऐसे मुद्दों को भाजपा वाले पार्लियामेंट से हिंदुस्तान के कोने कोने में ये तीन मासूमों को लेके, तीन वीडियो को लेके, यानी तीन फ़ोनों को लेके, जिस फ़ोन में नहीं है वो ये चीज़ डरे हुए बच्चों को लेके करना हिंदुस्तानियों का काम नहीं है। हिंदुस्तान का सरकार में जो करना है छोड़ के ऐसे छोटे कामों में हिंदुस्तान के बीजेपी के लोग ट्वीट करना, उसके हड़ताल करना, ये हिंदुस्तान के पूरे लोगों को हाईजैक करने का काम भाजपा वाले कर रहे हैं।